नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट का हाल, बैंक निफ्टी और निफ्टी में को लेकर आज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको नजर रखनी है, और ये बताने के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ेंगी जो कि हमें बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देवांशी हमारे साथ जुड़ेंगी खबरों वाले शेयर्स पर बात करने के लिए, और इसके अलावा जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पर स्ट्रैटेजी बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज के ट्रिगर से कर लेते हैं, अहम ट्रिगर से जहाँ पर कि आज आपको नजर रखनी है। देखिए, ग्लोबल बाजारों से काफ़ी सुस्त संकेत हैं और एशियाई बाजारों की भी शुरुआत कमजोर हुई है, तो इसका किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा भारतीय बाजारों पर, ये हम आपको बताएंगे। रुपया कल काफी ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिला है और कल करीब 40 पैसे कमजोर होकर 69 रुपए के पास क्लोजिंग कल देखने को मिली है, तो आज इसका रिएक्शन मार्केट पर कैसा रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा निफ्टी अहम दिन होगा, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आज जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए, पर ग्लोबल बाजारों से तो सुस्त संकेत मिल रहे हैं और क्या डिटेल्स हैं, क्या क्यूज मिल रहे हैं वहां से, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हालात है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के? थोड़े सुस्ती के संकेत है, जैसे आप कह रही हैं, थोड़ा नरमी रह सकती है अगर इसी तरह की चाल इंडियन मार्केट्स में भी आती है। देखिए, आज एशियन मार्केट की शुरुआत वीक हुई है। एसडेक निफ्टी खुला हरे में था, लेकिन अब देखिए लाल निशान में वहाँ पे भी कारोबार देखने को मिला है। 11,570 के आसपास के लेवल्स हैं, हाई लेवल से थोड़ा ही सही लेकिन रीट्रेस जरूर होता हुआ दिखा है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट्स की अगर आप देखें तो चाल थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई दिखी। चार दिन से लगातार तेजी देखने को मिली थी यूएस के मार्केट्स में, कल वहाँ पे वो जो रुझान कम पड़ता हुआ दिखा है, और उसकी जो मेन वजह है वो ट्रेड वॉर को लेकर जो नई चिंताएं गहराने लगी हैं उसका कारण आप देखिए यूएस के मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिला था। डाओ आपको नजर आएगा कि 26 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो करीब करीब 225 अंकों के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स में कल के सेशन में देखने को मिली है। दरअसल चिंताएं ये हैं कि अलग अलग बयान दोनों देशों की तरफ से निकल के सामने आया, जो ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत हो रही है उसमें चीन का यह कहना है कि उनको अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है कि अगर ये डील हो भी जाती है तब भी उनके ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। और यूएस का यह कहना है, यूएस के जो अधिकारी हैं वो इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि अभी तक उनको इस चीज को जो चीन ने अभी तक उनकी मांगे मानने की बातचीत करी थी अब शायद वो थोड़े से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी चिंताएं यूएस के अधिकारियों के बीच में हैं। तो अलग अलग दोनों देशों की जहां तक बात है तो उनके बीच में अब जो रुझान है वो थोड़ा सा अलग पड़ता हुआ दिख रहा है, तो उसकी जो चिंताएं हैं यूएस के मार्केट में दिखी, और आज यही कारण है कि एशियन मार्केट में जो शुरुआत है वो थोड़ी सी नेगेटिव टोन के साथ देखने को मिल रही है। ध्यान ये भी देना होगा पूजा कि आज फेड की बैठक का फैसला भी आना है, एक बड़ा इवेंट है, तो उससे पहले हम यूजली देखते हैं कि मार्केट थोड़े से सतर्क वैसे भी हो जाते हैं। हालांकि दरें बढ़ने की बातचीत नहीं है इस बैठक में, लेकिन हाँ, जो इकोनॉमिक आउटलुक आएगा उस पर जरूर दुनिया भर के मार्केट फोकस करेंगे। तो ट्रेड वॉर, फेड की बैठक और उसके साथ साथ जिस तरह से यूएस के मार्केट ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो आज देर रात फेड की बैठक की भी फैसला आएगा, उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन कल होली के उपलक्ष्य में भारतीय बाजार बंद होंगे, तो इसका जो असर है वो शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद हमें दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह की खरीदारी और बिकवाली हुई है। FIIs की तरफ से लगातार बाइंग जारी है और कल भी करीब 132 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से देखने को मिली है। वहीं घरेलू निवेशकों की तरफ से करीब 1254 करोड़ की बिकवाली यहां पर देखी गई है। लेकिन आज एक और अहम ट्रिगर है जहां पर कि आपको नजर रखनी है, वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। हमने जो पोल कराया है उसके मुताबिक करीब 45% ब्रोकर्स का तो यही मानना है कि 11,500 से 11,550 के आसपास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, माफ कीजिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। वहीं 25% जानकार ये भी कह रहे हैं कि 11,550 से 600 के बीच भी ये रेंज है जहां पर कि एक्सपायरी देखने की उम्मीद है। वहीं बैंक निफ्टी पर भी जो राय निकल कर आ रही है वो ये है कि 45% ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं कि 29,800 से 29,900 ये एक रेंज निकल कर आ रही है, जिसमें कि ज़्यादातर ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं कि ये एक लेवल है जहां पर कि एक्सपायरी देखने की संभावना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आज के लिए स्ट्रैटेजी और क्या होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस के अनिल सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी जान लेते हैं आज के लिए राय।
तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो एक्सपायरी है वो 11,500 से 11,550 के आसपास देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस यही मांग के चल रहे हैं। हालांकि कल क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी, शानदार तेज़ी के साथ कल बाज़ार बंद हुआ था। 11,532 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी, और माना यही जा रहा है कि आज जो एक्सपायरी होगी वो इन स्तरों के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। और इस पर और ज़्यादा रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आज ग्लोबल मार्केट से तो संकेत कमज़ोर हैं, ऐसे में इसका इम्पैक्ट आज एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, वैसे आप पूजा, अगर ये एक्सपायरी का दिन नहीं होता तब तो संकेत पूरी तरह से कमजोरी के मान सकते थे, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का, थोड़ी फ्रेश खरीदारी का निश्चित तौर पर सहारा मिलेगा। मेरा ये मानना है कि 11,500 आज निफ्टी पर निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा, और नीचे की तरफ 11,400 मजबूत सपोर्ट है, और रेंज दिन के लिए लेना चाहें सपोर्ट की तो 11,400 से 11,450 ये वो रेंज है। यहाँ पर आते ही फ्रेश खरीदारी भी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आपको आते हुए दिखेगी, तो बाजार यहाँ सपोर्ट ले लेगा। ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा, उसकी वजह यह कि एक तो ग्लोबल मार्केट थोड़े ढीले हैं, हालांकि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कच्चा तेल $67 के ऊपर ही बना हुआ है, और करेंसी कल काफी लंबे समय बाद करेंसी मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और रुपया थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा है, तो वो दूसरा कारण है, तो आपकी अपसाइड लिमिट कर देंगे ये। तो मुझे नहीं लगता कि हम आज के सेशन में 11,600 के पार निकल पाएंगे, तो ऊपरी स्तरों पर आपके लिए अगर मजबूत खुल भी जाते हैं तो 11,600 के आसपास 11,575 11,600 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आपके आते हुए दिख सकती है। तो ये रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है, और मेरे ख्याल से दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं, और आज के सेशन में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर गिरावट का इंतजार करें और बायोलिप्स की रणनीति रखें। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 26,500 नीचे की तरफ और 29,500 नीचे की तरफ और 30,000 ऊपर की तरफ, ये 500 पॉइंट की रेंज है। 29,500 से 29,600 मजबूत सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में, 29,800 को पार करके टिके तो तेजी आएगी, और इसीलिए मैंने आज 29,800 को निर्णायक लेवल भी लिया है। अगर इसके पार निकलकर टिक गया तो फिर 30,000 तक की जगह बनती है, संभावना उससे कम है, लेकिन ये रेंज है आज के लिए बैंक निफ्टी की। ओके, तो निफ्टी के लिए जो रेंज आपको नजर रखनी है वो है 11,400 से 11,600 के बीच, और बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल्स भी आज देखने को मिल सकते हैं। 29,500 से 30,000 की रेंज है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। और अनिल जी, आज सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज? सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ये थोड़ा मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, तो जो चुनिंदा खरीदारी होनी वो इसी सेक्टर में होनी, और मुनाफाओं से भी अगर आएगी तो वो बैंकिंग शेयरों से आ सकती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर बैंकिंग शेयर मेक और ब्रेक वाला मामला है। अगर 29,800 के ऊपर निकलकर टिक गए तो फ्रेश खरीदारी अच्छी शॉर्ट सर्विंग 100-150 पॉइंट की मिल भी सकती है, और 29,800 को अगर पार नहीं कर पाए यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई तो कमजोर भी बैंक ही होंगे। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, बैंक डिसाइड करेंगे आज बाजार का डायरेक्शन क्या रहने वाला। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अनिल जी, सुबह सुबह समय देखने के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो ऑयल एंड गैस ये एक सेक्टर है जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है, तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक, सरकारी बैंकों में आज मुनाफा वसूली देखने की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं उन शेयरों पर जहां पर कि आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज के ट्रिगर्स कौन से हैं, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसकी बोर्ड की बैठक होने वाली है। अदानी ट्रांसमिशन और माइंडट्री दोनों ही बायबैक को लेकर आज अपनी बोर्ड की बैठक करेंगे, इस पर फोकस होगा। साथ ही वोडाफोन आइडिया राइट इश्यू पर कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है। REC पूंजी जुटाने के लिए कंपनी की बोर्ड की बैठक है, और इसके अलावा आज CPSE ETF जो यहाँ पे कल खुला था, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कल खुला था, जहाँ पे 6 गुना भर चुका है ये इश्यू, और आज जो है वो नॉन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये इश्यू खुलता हुआ दिखेगा, इस पर फोकस कीजिएगा। साथ ही आज ONGC पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि IOC के बाद अब ONGC भी 23 मार्च को कंपनी की बोर्ड की बैठक है। अंतरिम डिविडेंड के पर विचार करेगी कंपनी, 27 मार्च को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय हुई है। जुबिलेंट लाइफ एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट कंपनी के लगभग 35 लाख शेयर्स बेचेगी 8% का करीब डिस्काउंट पर, करीब 2.25% की जो इक्विटी है उस पर आज ब्लॉक डील्स होते हुए दिख सकते हैं। रालिस इंडिया, यहाँ पे कंपनी के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अंकलेश्वर यूनिट के जो कामकाज है
उस वो रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि कंपनी में जो आग लगी थी उसके बाद काफ़ी यहाँ पे पोल्यूशन आता हुआ दिखा था, उसके बाद ये जो ऑपरेशन है कंपनी को रद्द करने की यहाँ पे आदेश मिलता हुआ दिखा था। साथ ही जेट एयरवेज भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे भी बुरी खबर है क्योंकि कंपनी के और 6 जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड होते हुए दिखे थे, तो इस पर भी फोकस कीजिएगा। और आखिर में आरती इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज ने करीब 2.82 लाख शेयर्स के बायबैक को मंजूरी दे दी है। 900 के भाव पर कंपनी बायबैक करेगी, 29 मार्च रिकॉर्ड डेट तय की है। करीब कल के क्लोजिंग प्राइस से 39% प्रीमियम पर यह बायबैक होता हुआ दिखेगा, तो इस पर फोकस। तो कल के क्लोजिंग से 39% प्रीमियम पर बायबैक का जो प्राइस है वो तय किया गया है। तो आरती ड्रग्स पर आज नजर रखे, काफी सारे अहम ट्रिगर्स भी हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा ONGC, जुबिलेंट लाइफ और रैलिस इंडिया और इसके साथ ही साथ एविएशन स्टॉक्स पर भी कुछ एक्शन आज देखने को मिल सकता है। बाजार में और भी रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ सिमी भौमिक भी जुड़ चुकी हैं। सिमी भौमिक, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो बाजार को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए आज? गुड मॉर्निंग पूजा, मुझे लगता है कि निफ्टी अभी भी खरीद के ही जाना चाहिए। निफ्टी में कल एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखा गया था, 11500 के ऊपर निफ्टी बंद भी किया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर कोई हल्का सा डीप भी मिलता है 11500-11490 तक, तो वो डीप खरीदने के लिए यूज करना पड़ेगा। मेरा टारगेट है 11560-580, ये दो टारगेट इंटरडे के लिहाज से मैं देख रही हूँ, और स्टॉप लॉस 480 के नीचे ही लगाएंगे। तो मुझे खरीदारी का ही रुझान लग रहा है, मेंटेन करना पड़ेगा बाय ऑन डिप करंट लेवल पर या थोड़ा सा डिप पर खरीदना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी के लिए मेरा टारगेट होगा 29800-29900 तक, तो मैं दोनों में ही खरीदने का ही सलाह दे रही हूँ। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, 11500 से लेकर 11580 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 11560-580 के लेवल्स देखने की उम्मीद है निफ्टी में। और सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? स्टॉक्स में दो स्टॉक मैंने चूज करके लाया है। एक तो रिलायंस में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छा क्लोजिंग भी कल देखे गया था, 1370-1374 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस 1365-1362 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। 1385-1393 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। और आईटी मेजर TCS कल बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया था लोअर लेवल से 2000 के करीब से, तो मुझे लगता है कि इसमें आज फॉलो अप बाइंग देखनी चाहिए। 20-20-15 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदने का सलाह होगा। 2000-1995 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 2048-2060 ये दो इंटरडे के लिहाज से मेरा टारगेट होगा। रिलायंस और TCS दोनों में बाइंग। चलिए, शुक्रिया सिमी। रिलायंस और TCS में खरीदारी करने की राय सिमी की तरफ से आज के कारोबारी सत्र में। चलिए जान लेते हैं कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से भी कुछ कॉल्स आ रहे हैं, उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया EIL में खरीदारी करने की राय दी है। 126 के टारगेट देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 115 का। इसके अलावा जो दूसरा कॉल है वहां पर ये BEML में खरीदारी के मौके देख रहे हैं, 1035 के लेवल्स आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 978 का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी दो खरीदारी के कॉल्स हैं। पहला कॉल है इनका टाइटन पर, और यहां इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 1155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1085 का। और दूसरे कॉल में भी खरीदारी करने की राय है इनकी, माफ कीजिएगा, IDBI कैपिटल अगला कॉल है। IDBI कैपिटल की तरफ से ITC में खरीदारी करने की राय आ रही है 304 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 298 का। और NGL है अगला बाय कॉल, जहां पर कि 999 के लेवल्स देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 970 का। निर्मल बैंक ने भी एक खरीदारी का ही कॉल दिया है, और इनका व्यू है कर्नाटका बैंक पर, जहां पर इनका मानना है कि 138 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, स्टॉप लॉस लगाइए 127 का। तो चलिए, ये तो था इक्विटी मार्केट का हाल, और यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया, लेकिन कमोडिटी बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कारवी कॉन्ट्रेड के वीरेश हिरेमत। वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज कमोडिटी मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, गोल्ड और क्रूड को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड में कल का ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट में खास करके एक अच्छा सा रिकवरी दिया हुआ है। इसका एक कारण था रुपी में जो वीकनेस हुआ था, उसका भी एक कारण है। और इसके साथ साथ आज शाम को US फेडरल रिजर्व का आउटकम भी आने वाला है। हमारा मानना है कि अकोमोडेटिव ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके चलते हुए गोल्ड में मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बने रहेंगे। इसलिए आज के लिए हमारा बाइंग का स्ट्रेटेजी रहेगा 31,950 लेवल में,
टारगेट रहेगा 32,150 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 31,850 लेवल्स का। जब क्रूड की बात की है तो क्रूड में भी एक बाइंग का रणनीति बना सकता है, 4090 के लेवल में टारगेट रहेगा 4,170 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4050 लेवल्स का। ऑलराइट विरेश, कल हमने देखा था कि रूपी में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया था, कमजोरी के साथ क्लोजिंग कल देखने को मिली थी, आज के लिए रणनीति क्या अपनाएं? देखिए और भी कमजोरी हो सकता है, इसलिए इंट्राडे के लिए हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 69 का लेवल में, टारगेट रहेगा 69.40 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 68.80 लेवल्स का। ठीक है, तो चलिए ये स्ट्रेटजी आपको बता दी गई है। गोल्ड में आप खरीदारी कर सकते हैं 31,950 के टारगेट के लिए, क्रूड में भी खरीदारी का ही नजरिया है 4,090 के लेवल्स देख रहे हैं, और डॉलर में भी खरीदारी करिए, रुपये में भी खरीदारी करिए, माफ कीजिएगा 69.40 के लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त रुपये पे। चलिए ये तो था कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ और भी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से शेयर हैं ये भी जान लेते हैं, और ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले पहली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जुबिलेंट फूड पर सीएलएससी की खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1600 रुपये का रखा है, 10 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कंपनी। दूसरी रिपोर्ट अल्ट्राटेक पर है सिटी की, वो भी कह रहे हैं कि उसमें खरीदारी की राय रखी है उन्होंने, लक्ष्य 4450 रुपये का रखा है। उनका मानना है कि सीमेंट की मांग में सुधार होगा और साथ साथ जो कीमतें हैं वो बढ़ने का अनुमान है। तीसरी रिपोर्ट हिकल पर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, जो खरीदारी के साथ अपनी कवरेज शुरू की है, उन्होंने लक्ष्य 200 रुपये का रखा है और वो कहते हैं कि एपीआई सेगमेंट से फार्मा क्षेत्र में वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी आनी संभव है। और साथ साथ जो चौथी रिपोर्ट है वो सुब्रोस पर है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की, जिन्होंने खरीदारी की राय रखी है, लक्ष्य जो है 309 रुपये का रखा है और टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने की वजह से जो ग्रोथ है कंपनी में वो काफ़ी अच्छा होने का अनुमान है। और अंत में टोरेंट पावर पर मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय है, उन्होंने ये कवरेज शुरू की है और लक्ष्य 315 रुपये का रखा है और वो मानते हैं कि मजबूत बैलेंस शीट कंपनी की और अर्निंग्स में जो वॉलिटिलिटी है वो कम होने से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस आगे दे सकती है। शुक्रिया कुशल ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ब्रोकरेज के रडार्स पर आज जुबिलेंट फूड का शेयर है, यहाँ नजर रखनी है आपको, अल्ट्राटेक, हिकाल, सुब्रोज और इसके अलावा टोरेंट पावर पर मोतीलाल ओसवाल की कवरेज है, तो इन तमाम शेयरों पर आज आपको नजर रखनी है। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।